नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अड़ुव्रत विश्व भारती के तत्वाधान में अड़ुव्रत क्रिएटिविटी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर पटवा भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में गौतम चंद्र चौरड़िया उपभोक्ता फोरम राज्य अध्यक्ष भिलाई थे। साथ ही अड़ुव्रत समितियों के राज्य प्रभारी, अड़ुव्रत समिति तेरापंथ सभा अध्यक्ष, प्रेक्षा वाहिनी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी, छत्तीसगढ़ आगम प्रभारी, जीवन विज्ञान राष्ट्रीय सह संयोजक सहित काफी संख्या में जैन समाज एवं अड़ुव्रत विश्व भारती से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम में जिला स्तर पर अड़ुव्रत क्रिएटिविटी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को बुलाया गया था, जिन्होंने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुल 6 स्कूलों के प्रतिभागियों सहित अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। कि हे भीष्म पितामह, मैं धर्म को जानता हूँ मगर धर्म कर नहीं सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ मगर अधर्म को छोड़ नहीं सकता। इसलिए अणुव्रत कहता है कि जानने का सार क्या है? जानने का सार है अपने आप को बदलना। हमने अणुव्रत को जाना, अणुव्रत के गीत को जाना, अणुव्रत के छोटे छोटे सिद्धांतों को जाना। मैं चाहूँगा कि विद्यार्थीगण निरंतर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जिन भी विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन अध्यापक गणों ने तैयारी करवाई, मैं उन सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि वो अपने जीवन में खूब आध्यात्मिक उन्नति करते हुए सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरुण। पिता मुनि श्री के प्रति आप अपने समय में से समय निकाल के हमारे बच्चों को उद्बोधन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सभी से अनुरोध है अपनी जगह पे। सभी प्रतिभागियों को सम्मान स्वरूप मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागी अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पहुंचे जैन मुनि श्री सुधाकर जी ने बच्चों और आयोजकों को साधुवाद देते हुए नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी तथा कई प्रेरक कथा कहानियों द्वारा जीवन जीने के गुर बताए। राज्य स्तर के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए सभी को धन्यवाद एवं आभार प्रेषित किया गया। आध्यात्म और विज्ञान